मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और कल मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत बार पूछा गया है, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे बात करना। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने एल्गी के बारे में, वायरस के बारे में कल पढ़ा था, ठीक है, कि किस किस तरीके के वायरस होते हैं और एल्गीज होते हैं, और कौन से वायरस पैथोजेनिकली हमको हार्म करते हैं। होपफुली आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, और टेबल नंबर 1.6 को जो रिफ़र करने के लिए मैंने बोला था, जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट बताए गए हैं, वो आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आज का हमारा टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी बार जीटीयू के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो उसकी जो पैटर्न्स हैं, वो दो तरीके की पैटर्न्स होती हैं, ठीक है, ठीके? जैसे कि कल हमने डिस्कस करी थी, कौन कौन सी दो पैटर्न्स कल मैंने बताया था आपको। एक तो ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ पैटर्न है, और एक होता है मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये दोनों पैटर्न ऐसी बनाई गई है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2017 में पूछी गई थी। तो ये है क्या ग्रोथ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रहेगी वो एज पर नंबर रहेगी, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 7 स्टेजेस आएंगे, ठीक है। 7 स्टेजेस के अंदर सारे जो स्टेजेस हैं, जो फेज आने वाले हैं, उसके अंदर उनका किस तरीके से उनका डेवलपमेंट इंक्रीज होना, ठीक है, स्टेबल होना, और उसके बाद उनकी डेथ, पूरा का पूरा एक उसका टेबल है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट है, जो नंबर में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं और उसकी स्टडी करना, इसलिए एक ये नंबर स्टडी है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की, क्लियर है ना। तो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्यूलेटेड इंटू अ बैक्ट्रोजेनिकल कल्चर मीडियम, द ग्रोथ पैटर्न बेस्ड ऑन द नंबर वायबल ऑर्गेनिजम्स वुड लुक लाइक, इस तरीके से मैं आपको एक बताता हूँ कि किस तरीके से दिखेंगे। देखिए इसके फेज में आपको बताऊंगा, देखिए सबसे पहले आता है लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज, फिर आता है डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज, फिर आता है स्टेशनरी फेज, उसके बाद आता है इंक्रीजिंग डेथ फेज, क्लियर। फिर उसके बाद आता है लॉग डेथ फेज, एंड एट लास्ट होता है डेथ, ठीक है। तो ये सारे फेज हैं जो हम हमारे नंबर ग्रोथ के अंदर स्टडी करने वाले हैं, और जिनका नंबर वाइज ग्रोथ होता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो पैरामीटर है वो किस तरीके से बढ़ता है, इसका जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ है वो किसके बीच में है, टाइम एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, तो लैग फेज में अगर आप देखेंगे तो लैग फेज में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
मतलब सिर्फ पैदा हुआ होना स्टार्ट हुआ है, तो इस तरीके का फेस जाएगा, ठीक है। फिर लॉग फेस में थोड़ा बढ़ेंगे, लॉग फेस से डिक्लाइन फेस तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़े, फिर डिक्लाइन फेस तक स्टेशनरी फेस तक जाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर के बढ़ोतरी होगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ है वो हो जाएगी स्टेशनरी, क्लियर है। फिर अब क्या होगा, एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टेशनरी हो गए तो अब उनका जीने का फेज आएगा यानी डेथ का। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मरेंगे तो सही, तो अब ये डिक्रीजिंग फेज है ना, इनकी डेथ बढ़ रही है, अब मरना चालू हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग फेज, लॉग डेड फेज में एकदम कम हो जाएंगे और ये निकल लिए, ठीक है, ये दुनिया से निकल लिए। तो ये है हमारे फेस के बारे में। अब लॉग फेस और लैग फेस के है क्या, तो लॉग फेस क्या है, लॉग फेस है इनिशियल स्टेज, इनिशियल फेज ऑफ लैग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर एडजस्ट द मीडियम एंड नॉट इंक्रीज इन द नंबर, मतलब ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे नंबर के अंदर, अपने आप को मीडियम रखेंगे। फिर आएगा लॉग फेज, तो ये सेकेंड फेज है हमारा, ये इनिशियल फेज, ये हमारा सेकेंड फेज, ठीक है, जिसके अंदर लॉग फेज के अंदर जो ग्रोथ रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और एबिलिटी प्रोसेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डिक्लाइन ग्रोथ फेज, तो ये जो ग्रोथ फेज रहता है इसके अंदर लैक ऑफ फूड के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड हो गए। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा, माइक्रोबियल पॉल्यूशन रिमेंस लेवल ड्यूरिंग द दिस फेज, मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन रहेगा वो रिमेन लेवल में रहेगा, ठीक है, ना तो मरेंगे ना तो बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, लैक ऑफ फूड के कारण क्या होगा कि जो इंक्रीज डेथ है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो फेस होगा उसमें हमारी जो डेथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना चालू होगी, तो ये इनिशियल डेथ फेज है, समझो इनिशियल डेथ फेज बोले तो यहाँ पे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लॉग डेड फेज के अंदर जो लेट वायबिलिटी लेट है पॉपुलेशन की वो एकदम डिक्रीज होगी और लास्ट में साइकिल हमारी जो ग्रोथ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फाइनल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या बोलते हैं नंबर का सिस्टम है उस तरीके से चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मास, मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ का पैटर्न है जिसका नाम है मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिसंबर 2014 में पूछा गया है, ठीक है, नवंबर 2017 में पूछा गया है और नवंबर 2018 में इसको पूछा गया है, क्लियर। अब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसका जो सेकेंड पैटर्न है मास का, इसके अंदर भी हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनेगा, उसमें जो ग्राफ बना था इस साइड क्या आया था नंबर, ठीक है, तो इस साइड क्या चेंज हो जाएगा मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ग्रोथ है उसकी मास के हिसाब से हम लोग उसकी ग्रोथ को जस्टिफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसकी ग्रोथ के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये होगा हमारा टाइम और ये होगा हमारा मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके अंदर भी जैसे कि उसके अंदर सात फेज थे, इसके अंदर तीन ही फेज है, कौन कौन से फेज है, इसलिए ये सिंपल भी है, इजी याद रखना। एक तो आता है लॉग ग्रोथ फेज, ठीक है, फिर आता है डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज एंड एट लास्ट आता है एंडोजेनस फेज, क्लियर है। तीन तरीके के फेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से, लॉग ग्रोथ फेज, डिक्लाइन ग्रोथ फेज एंड एंडोजेनस फेज। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा यानी मीडियम ऑर्गेनिज्म लॉग फेज के यानी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट सेकेंड फेज से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, डिक्लाइन ग्रोथ फेज, यानी यहाँ पे और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारा ग्रोथ फेज बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी फेज कोई भी नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी फेज कोई भी नहीं है, डायरेक्ट एंडोजमस फेज में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारे यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो डेथ नहीं हो रही है, यानी कम नहीं हो रही है, नील नहीं हो रही है, तो साइकिल हमारी इसमें कंप्लीट नहीं हो रही है। अब ये चीज है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉग फेज क्या है, इसके अंदर ये तीन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो लॉग फेज जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोसेस सेम रहने वाली है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होगी। अब समझिए एक मेरे को एक वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर बनाने का है, तो ये लॉग फेज, ये जो साइकिल किस तरीके से इंपॉर्टेंट आएगी, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मिक्सचर है या सॉल्यूशन है उसके अंदर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सेस फूड दूंगा पहले, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स डालना स्टार्ट करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो रेट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है हमारा रेट, ठीक है, तो ये जो रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है उसको, वो जो सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीजमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, लॉग ग्रोथ फेज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रहेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो इसकी मैक्सिमम रेट पे हमारी बढ़ेगी। ठीक है, उसके सेम टाइम पे हम अगर ऑर्गेनिक मैटर के सॉल्यूशन को रिमूव कर देते हैं तो हमको एक मैक्सिमम रेट देखने के लिए वहां से मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्यों स्टेबिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डबल ट्रिपल की ग्रोथ में बढ़ेंगे, तो जिस इसकी वजह से इसके अंदर हमारा क्या है वो नहीं है, स्टेबिलिटी फेज इसके अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, अब डिक्लाइन ग्रोथ फेज के अंदर क्या दिया है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी जो फूड है वो डिमांड हम फूड कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो हमारे वेस्ट है, हमारा जो डिक्लाइन फेज है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कटौती होनी चालू हो जाएगी, किसकी, फूड की। अब फूड की कटौती होना चालू हो जाएगी यानी ग्रोथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एंडोजीनस फेज क्या है, तो एंडोजीनस फेज क्या है कि भाई एंडोजीनस फेज के अंदर एकदम ही फूड वर्क की कॉन्सेंट्रेशन एकदम मिनिमम कर दिया जाएगा। अब मिनिमम आपने क्या कर दिया, फूड का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, मतलब आप कोई भी तरीके की डिमांड अंदर उसकी पूरी कर नहीं रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लोग क्या करेंगे, डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे तादाद में बढ़ गए, और डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज हो गई तो वो लोग क्या करेंगे, खुद का प्रोटोप्लाज्मा खाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, खुद का प्रोटोप्लाज्मा वहां से न्यूट्रिएंट लेंगे और खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज तो होगा पर क्या रहेगा, कॉमनली स्टेबल रहना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर ये है, मैंने आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कहीं पे भी डेथ फेस नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रोटोप्लाज्मा खा के अपने न्यूट्रिएंट्स को जिंदा रखते हैं, तो इस तरीके से साइकिल पूरी नहीं होगी। ये साइकिल किसके लिए कंप्लीट करनी जाती है, तो हमको ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबिलाइजेशन करना हो तब ये वाली साइकिल हमको मिलती है। समझ में आया? तो ये दो साइकिल्स थी दो, इसके अंदर यही फर्क था कि भाई किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ साइकिल ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है नंबर वाइज और मास वाइज। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रोथ की साइकिल है वो खत्म होती है। ठीक है, अब हमारा जो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, बहुत बार जीटीयू में पूछा गया है, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहाँ पर रैप अप करेंगे और फिर कल नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले अब ये वाला जो टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको उसकी तरफ एक नज़र मार लेते हैं कि क्या रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं दोनों तरीके के फायदे हमको उसके मिलते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे भी रहते हैं और जिनकी वजह से हमको फायदा भी होता है, और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, नवंबर 2011 में पूछा गया है ये, मई 2012 में ये हमको बोर्ड पूछा गया था, दिसंबर 2014 में भी पूछा गया है, मई 2015, नवंबर 2017 और मई 2018 में पूछी गई चीज़ है ये। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है?
ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे जो बुक के अंदर दिया है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन एनवायरनमेंट इन एयर वाटर सॉइल एंड एवरीवेयर इन द एटमोसफियर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, एवरीवेयर, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिकम्पोजिशन ऑफ साइकिल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकम्पोजिशन साइकिल। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको ये सीखना जरूरी है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ान, ठीक है। सड़ान की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होना जरूरी है। सड़ान से क्या होगा, सड़ान से ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ठीक है। कौन कौन सी साइकिल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारी एक हो गई नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, फिर सल्फर साइकिल, फिर फॉस्फोरस साइकिल। तो ये सारी जो साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, हमारे सैनिटाइजेशन फील्ड के लिए, सैनिटरी इंजीनियर के लिए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे किसके अंदर, डिकम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारे तीन साइकिल्स हैं उसके बैलेंसिंग के लिए, इन इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा जो पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्प्लीट द फूड चेन एज सम ऑफ देम एज एक्ट डिकम्पोजर एंड ब्रिंग बैक द न्यूट्रिएंट इन द फूड चेन। समझ में? तो फूड चेन को कंप्लीट करते हैं, फूड चेन आर कंप्लीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस तरीके से, जैसे कि हमारे आपको एक एग्जांपल दूं कि एक कुत्ता मर गया, ठीक है, मतलब एक डॉग स्ट्रीट पे मर गया, तो उसके अंदर क्या बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, वो बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीकम्पोज करना स्टार्ट करेगा और जो बैक्टीरिया से उनको उनको लाइफ देने की कोशिश करेगा, ठीक है, समझ में आए। तो हर जगह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है कि डीकम्पोज करना और जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्रिंग बैक करना। किसको, जमीन को भी ब्रिंग बैक कर सकते हैं वो, कि दूसरे बैक्टीरिया को हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, क्लियर। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एक्चुअली, और इसका बहुत बड़ा प्लान होता है कि किस तरीके के वेस्ट को मैनेजमेंट करें, किस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये संभालना, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इस चीज़ के लिए हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ठीक है ऑफ वेस्ट वाटर सेकेंड। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है। फिर एल्गी और बैक्टीरिया, एल्गी के ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब ऑक्सीडाइजेशन इन पॉन्ड करना हो तो भी हमको, जैसे एल्गी अगर एल्गी और बैक्टीरिया के आप सिंबॉलिक रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे वेस्ट के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडाइजेशन के लिए भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर कॉज ऑफ मैनी सैनिटरी प्रॉब्लम्स, अनकंट्रोल्ड बैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑर्डर एंड ऑब्जेक्शनल कंडीशन। सम बैक्टीरियाज अटैच हाई प्लांट्स एंड एनिमल टू डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं वो सैनिटरी प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और अनकंट्रोल्ड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्डर पैदा करते हैं और ऑब्जेक्शनल कंडीशन भी पैदा करते हैं। तो उस तरीके से भी हमारा क्या बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर क्या होता है, पार्ट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं और ऑब्जेक्शनल ऑर्डर यानी इट कॉज
अब ये कॉज होगा ना, इसका डिसएडवांटेज होगा ये, ठीक है। इट कॉज ऑर्डर एंड ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन बाय ग्रोइंग बैक्टेरियास, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, द एक्सेस ऑफ ग्रोथ, डेथ ऑफ सम एल्गी इन वाटर रिजर्वेशन हैज कॉज द सैनिटरी माइक्रोलॉजिस्ट में प्रॉब्लम इन द टेस्ट एंड ऑर्डर। मतलब जैसे एक्सेस ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि भाई मैंने बोला ना डबल ट्रिपल करता है अपने आप को, तो उसकी वजह से क्या, अब देखो पानी है, पानी के अंदर हम वेस्ट डालते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट अंदर जाने स्टार्ट होता है, ठीक है, पानी के अंदर। अब जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट पानी के अंदर जगाएगा, यानी न्यूट्रिएंट्स जाने, अब जहां पे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और बहुत दिन तक पानी के साथ रहेंगे, अटैच करेंगे, तो बहुत क्या करेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डबल ट्रिपल करेगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डबल ट्रिपल करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई वहां पे एल्गी पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही अगर एल्गी पैदा होती है तो बहुत सारी चीजों में उसमें तकलीफ पड़ती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप पूरा सेशन में अगर आप देखेंगे तो आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, उनके रोल के बारे में पढ़ा। आज तक का आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे लास्ट के तीन जो आज हमने कवर करे, एग्जाम में इन तीनों में से कंपलसरी दो क्वेश्चन तो होते ही हैं, या तो एक क्वेश्चन तो होता ही है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखें, पढ़ें। इसके बाद आप और भी पढ़ें, मैं बोलता हूँ इसके बारे में और जानकारी लें, डीप में जाके गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, आप और भी देख सकते हैं, और कोई तकलीफ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही कंटेंट रखेंगे। कल हम नए लेक्चर के साथ आएंगे, सॉरी थर्सडे को नया लेक्चर के साथ आएंगे सुबह, और तब तक के लिए शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।